हाय यूटू, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल फॉर रिपोर्ट ऑटोमेशंस। तो आज हम बात करेंगे पावर क्यूरी के बारे में। पावर क्यूरी, आप डेटा एनालिसिस में है, आप टैबलू पढ़ना चाहते हैं, पावर बीआई पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक्सेल की पावर क्यूरी के बारे में पता होना चाहिए। चलिए हम पावर क्यूरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि एक डेटा मेरे एक टेबल में पड़ा हुआ है, उसको हम लेना चाहते हैं। तो डेटा व्यू बार में गया मैंने और गेट डेटा फ्रॉम फाइल और फ्रॉम एक्सेल को सिलेक्ट करते हैं और ये डेटा मेरा डब्ल्यू पी के नाम से, बल्ड पॉपुलेशन के नाम से सेव है डेस्कटॉप के ऊपर। मैंने इंपोर्ट किया। अब एक बार में कोई एक सीटी इंपोर्ट होगी, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर इसको हमने लोड कर दिया। तो यहां पे मेरे पास आ गया डेटा, आ गया। इसमें कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन पॉपुलेशन है। मुझे यहां पे चाहिए कि किस कंट्री में कितने नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स है। अब मोबाइल यूजर की डेटा मेरे पास नहीं है, इस मोबाइल यूजर के डेटा को हमें वेब से निकालना है। तो हम अपनी वेबसाइट को खोलते हैं और यहां गूगल पे जाते हैं और यहां लिखते हैं वर्ल्ड मोबाइल यूजर्स बाय कंट्री और एंटर प्रेस करते हैं। यहां लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स यहां पे दिख रहा है आपको, इसको क्लिक करते हैं। तो यहां पे पूरा लिस्ट आ गया कि कौन कौन से कंट्रीज में कितने मोबाइल यूजर्स हैं। अब मैंने इसकी जो लिंक है, यूआरएल है, इस यूआरएल को कॉपी कर लिया सिलेक्ट करके, तो वापस डेटा पे आता हूं और डेटा मेनू बार में मेरे पास यहां पे फ्रॉम वेब है। अब इस फ्रॉम वेब पे क्लिक करता हूं। अपने उस URL को यहां पेस्ट कर देता हूं। अब इसमें जितने भी नंबर ऑफ सीट्स होंगे उसका लिस्ट यहां पे आपको दिख जाएगा। तो यहां पे आपको टेबल्स, टेबल वन में कितने टेबल्स थे उसकी जानकारी है, डॉक्यूमेंट की भाई स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट क्या था उसका है, और टेबल जीरो में हमारा डेटा है, ये हमारी काम की चीज है, इसी डेटा को हमें लोड करना है। हमने इसको सिलेक्ट किया और यहां से लोड कर दिया। ऐसा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब मुझे इस डेटा का जो ए पार्ट है, मुझे अपने इस डेटा के इस पार्ट में यहां रखना है, दोनों को मर्ज करना है। तो आप जब भी इस पे क्लिक करेंगे, ऊपर में आपको डिजाइन टेबल टूल्स क्यूरी टूल्स में आपको यहाँ पे देखिए डिजाइन क्यूरी मिल रहा है। इस क्यूरी पे क्लिक करता हूं और यहां पर आपको दिखेगा मर्ज। मैंने इसको मर्ज पे क्लिक किया और यहां हमने टेबल जीरो के जगह पे सीट वन ले लिया और यहां पे हमारा टेबल जीरो हो गया। अब इन दोनों के बीच में हमारा क्या है, हमारा कंट्री और इसका कंट्री रीजन, दोनों हमारा रिलेटेड रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन क्रिएट हो गया और 74 कंट्री मैच किया यहाँ पे दिख गया आपको। एंड ओके कीजिए। जैसे आप ओके करेंगे आपको यहाँ पे पावर क्यूरी एडिटर पे लिख के चला जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है मुझे सिर्फ चाहिए नंबर ऑफ फोन नंबर, और भी कॉलम चाहिए तो ले सकते हैं, सिर्फ मुझे नंबर ऑफ फोन नंबर चाहिए और डेट ऑफ रिलेशन किस डेट का चाहिए हमने ओके कर। दो कॉलम यहाँ पे मिल गया। अब मैं इसको लोड एंड क्लोज कर देता हूं। एक तीसरी शीट में डेटा हमारा यहाँ ऐड हो गया।
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया सर, तीन तीन शीट बन गया, वही जरूरी नहीं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और दो शीट को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे कनेक्शन ओनली, हमने वहां पे सिलेक्ट करते समय कलेक्शन ओनली को सिलेक्ट नहीं किया था, इस कारण से ऐसा हुआ, वरना हम कलेक्शन ओनली को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आए। ये पावर थ्योरी की पार्ट रही, इसी तरह से मेरे चैनल पर आप बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पावर थ्योरी, पावर पिवट, पावर बीआई जैसे बहुत सारे टूल्स का वीडियो में अपडेट करता रहूंगा। कोई भी डाउट होगा मुझे कॉल कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।